I don't know whether you guys know this or not, but I will bring it to you. You debuted in Heather. Heather. Heather film जो विशाल भारद्वाज की film है. You played the younger Shahid Kapoor. And मतलब वहाँ तक एक ये अचानक से कैसे हुआ? मतलब you know विशाल भारद्वाज की इतनी बड़ी film, Shahid Kapoor के you know you're playing the younger version and you were very very good in that. How did that happen? I feel really blessed. मतलब एक बात मैं actually मैं ये accept करना चाहूँगा कि मैं हूँ मैं काफी blessed. मुझे ऐसा लगता है मैं काफी blessed रहा हूँ. मैं एक्चुअली जब मुझे हैदर के लिए फोन आया था मैं यहीं पर था क्रिएटिंग कैरेक्टर्स में. सो इज अ स्टूडेंट ऑफ क्रिएटिंग कैरेक्टर्स. मैं भी क्रिएटिंग कैरेक्टर्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ. मैंने हमेशा से जो समर सर रुपेश सर ने बोला है क्योंकि जब मैं आया था बॉम्बे वही मेरे गुरु थे. मेरे पास और लोग नहीं थे ज्ञान देने के लिए मुझे कि क्या करना है क्या नहीं करना. सो आई हैव टेकन देम रियली सीरियसली. उन्होंने एक एक बात जो बोली है ना जो गाली देके बोली है जो गाली देके नहीं बोली है दोनों चीजों को आप नहीं आपको उस समय नहीं समझ में आएगा जब वो बता रहे हैं ना बट लेटर यू विल अंडरस्टैंड. वो जो जो बोल रहे थे ना वो आपको वो सब ऐसे स्टेप्स हैं वो एक एक क्या बात है वो आपको हेल्प करते हैं आगे जाकर के. जो भी वर्कशॉप में हम लोग करते हैं यहाँ पर पे लोगों को बच्चों को लगता है कि अरे यार ये तो खिला रहे हैं यहाँ पे हम क्या गेम्स खेलने आए हैं ये जोकर की क्लास चल रही है ये चैपलिन ये हो रहा है वो हो रहा है बट लेटर यू विल अंडरस्टैंड वो उसका बेसिकली डीप मीनिंग क्या है और डीप पर्पस क्या है उसका. क्योंकि आप इतना सारा एक इतने सारे इतने लोगों के बीच में आप जब ऐसे बेवकूफी वाले काम करते हो ना तो आप भी खुलते हो. आई थिंक अनुपम खेर के यहाँ का कुछ वो एक्टिंग क्लास का देख रहा था तो वहां पर मैंने देखा ये मुकेश छाबड़ा करके कोई आए ये कास्टिंग डायरेक्टर है. मुझे नहीं मालूम कास्टिंग डायरेक्टर ये इन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर किया है या क्या किया कुछ नहीं. मेरे को तो डीओपी नहीं पता था क्या होता है तो मैं जो है उनको ईमेल किया मुकेश छाबड़ा के जो टीम थी उनको मैंने अपनी फोटोज ईमेल की. मेरी आज तक कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है मैं ये भी बता देता हूँ. तो सिर्फ वो नॉर्मल फोटोज फोन से खींची हुई फोटोज मैंने भेजी. उन्होंने मुझे बोला एक हफ्ते नॉर्मल फोटोज ओके यस. उन्होंने मुझे बोला आप आ जाओ इंट्रो दे जाओ. लाल चेक शर्ट पहन के गया था ब्लू जीन्स ब्राउन बेल्ट एकदम गुड बॉय राजा बेटा बन के शर्ट को टकिन नकिन करके एकदम गया. उन्होंने और वो फर्स्ट ऑडिशन ऐसा था जहां पर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी. दे जस्ट टोल्ड मी व्हाट इज द सीन सिचुएशन उन्होंने मुझे बता दिया भाई ये सिचुएशन है. सो आई डिड दैट ऑडिशन. एक हफ्ते के बाद मैं यहीं क्रिएटिंग कैरेक्टर्स में था. 7-8-10 मिस कॉल उधर से मुकेश छाबड़ा के यहाँ से. तो फिर मैंने उनको फोन वोन किया. उन्होंने बोला आपको फिल्म में गंजा होना पड़ेगा चलेगा. मैंने कहा ठीक है मैं कहा पिक्चर है गंजा ही तो होना है उसमें क्या मैं हो जाऊंगा. बस उसके बाद हो गया. उसके बाद मैं कश्मीर चला गया. फिर तो मैं स्टार हो गया था क्योंकि मैं बाल कलर कराने के लिए उन्होंने मुझे बॉम्बे भेजा है वापस. बाल कलर करवाने के लिए सिर्फ बाल कलर कराने के लिए आलिम हाकिम हाकिम आलिम बाल कलर कराने के लिए मुझे वापस बॉम्बे भेजा. मैं बाल कलर हुआ उन्होंने बोला आप 5 दिन इसको धुलो जब धुलने के बाद ये शाहिद के जैसे हो जाएंगे देन यू कम बैक टू कश्मीर. ओह माय गॉड. मुझे तो मैं बाथरूम में नहा रहा हूं मग्गे से. मुझे लग रहा है यार मैं कितना बड़ा स्टार हो गया हूं यार. मैं बाल कलर कराने के लिए बॉम्बे आ रहा हूं. बट कहीं कभी उस समय स्टारडम चढ़ा फिर यू नो सर पे. अच्छा ऐसा कभी नहीं. कभी ये रुपेश सर समर सर ने एकदम क्या गाली दे दे के एकदम हवा में नहीं जाने का. उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई थी वो सबको सिखाई होगी कि जैसी आपकी कोई तारीफ करे तुरंत उनको टाइम बता देना. बस सिखाया ना मैं आज भी करता हूं. टाइम बता देना मुझे नहीं पता बताओ. हाँ जैसे आपने बोला कि अंशुमन यू आर अ मैजिकल बॉय ये वो ये वो. मैंने आपको टाइम देखा क्या हो रहा है. टाइम अभी 2:30 बज रहे हैं. हाँ तो 2:15 हो रहा है. बस अब मैं भूल गया उस बात को कि आपने मेरी तारीफ करी तो अब वो मेरे सर पे नहीं चढ़ेगी. क्या बात है. दैट इज सो नाइस. दैट इज अमेजिंग. मतलब वो टाइम है बस. वो टाइम है उसके बाद वो टाइम चला जाएगा. चला गया वो बस. अब भूल जाओ उसको. बट ये बात अंदर तक घुस चुकी है जहन तक. आप देखो ना अभी तक याद है सब. इसीलिए आप जैसे लोग मुझसे जब भी मिलते हैं वो पूछते हैं कि यार ऐसा क्यों किया तुमने फिल्म करी फिर टीवी कर लिया फिर स्प्लिटसिला कर लिया. हाँ उनको तो स्प्लिटसिला लोग इतना देखते हैं उसके बाद भी इतनी गालियां देते हैं. मतलब देखते भी और गालियां भी देते हैं. और आजकल तो मतलब अभी भी मेरे को वो जजिंग के उससे जाना पड़ता है कभी कभी. अच्छा बट आई हैव टू मेक माय सेल्फ अंडरस्टैंड. नो इग्नोर कर दे. मैं जितनी बार ऑडिशन पे जाता हूँ ठीक है ऑडिशन पे वो बोलते अरे ये मिली है सर इससे अंशुमन ये स्प्लिटसिला में था इस साल. अब जैसे ही वो ये बोलते हैं ना एकदम से नजरें उठ जाती हैं. इधर उधर तो 3-4 लोग बैठे स्प्लिटसिला इसको क्या एक्टिंग आती होगी स्प्लिटसिला का ये तो ऐसा. तो फिर क्या है आपको अब आप तो ऑडिशन देने आए आपको तो करना है तुरंत अफेक्ट हो जाता है. एक्टर तो आपको पता है सेंसिटिव और मैं तो डबल सेंसिटिव है. मैं कितनी बार मैं एक ऑडिशन देने गया था कुछ काफी समय के बाद. आई थिंक जोया अख्तर की पहली एड थी वरुण धवन के साथ कोई गाड़ी की. मैं गया और मैं इतना वहां पे स्ट्रेस हो गया मेरे को. मैं उनको बोला मेरे को ना मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही मैं पानी पी के आता हूँ. भाग गया मैं ऑडिशन से. अभी कुछ टाइम पहले की बात है मैं भाग गया. क्यों नहीं मेरे को मन हो रहा था देने का. अब मैं उनको क्या बोलूंगी मेरे को मन नहीं हो रहा देने का उनको भी बुरा लगेगा. मैं पानी लेके आता
और मैं चला गया. See, that's why I say that he is gifted, he is talented, because क्या होता है ना, acting is not 1+1=11 or 1+1=2 or 1+1=XYZ. Acting in real sense works on very strong instincts. मैंने इतने सालों के करियर में, मतलब 14-15 साल मुझे भी कोई काम करते हुए, not because this boy is sitting here, बहुत बहुत शायद गिने चुने 3 या 4 लोगों को देखा होगा जो who are so driven by their instincts. मतलब हुआ प्योर एक्टर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी इसका फायदा हो, उनको भी इसका बेनिफिट हो. एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस. वी शेयर, वी ग्रो.